दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथिलेश। और हमारे कुछ भाइयों का कमेंट था कि आप क्रॉलर के रेंट का वीडियो बनाइए, तो आप लोगों के कमेंट के बाद मैं क्रॉलर के रेंट का वीडियो लेके आया हूँ। तो आज जो मैं वीडियो लाया हूँ, एक्स एम जी 55 टन की रेंट का वीडियो है और इसका मॉडल नंबर है XGC55। और मैं कोशिश किया हूँ इस वीडियो में अपने तरफ से पूरी तरह से समझाने का कोशिश किया हूँ। और SLI का वीडियो खास करके मैं नाइट में इसलिए बनाया हूँ कि क्लियर दिखे, क्योंकि डे में वीडियो बनाने के बाद SLI में क्लियर आता नहीं है और साइड का वीडियो होता है मेरा, ये आप लोगों को पता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। बूम लेंथ जोड़ने के लिए है। हाँ बोलिए। होम सेटिंग में जाना है। होम सेटिंग में जाना है मतलब बूम अपना जोड़ने के लिए। बूम कौन सा बूम, मेन बूम में चलाना है। अब इसको बताइए क्या क्या है। ये मेन बूम हो गया, ये हो गया फिक्स जीप, मतलब जीप आपका फ्लाई जीप जितना अपना जोड़ना है यहाँ से इसको टच करके जाना पड़ेगा। ये रनर मोड और रनर मोड, यानी कि दूसरा वाला जो आगे ब्लॉक है इसमें दिख भी रहा है दो ब्लॉक, तो आगे वाला जब रनर चालू करना है तो हमें इसमें जाना होगा। रनर के साथ में जाना है। हाँ, तो रनर के साथ जाना है। अच्छा, तीन नंबर बटन से रनर करेंगे। हाँ, आपको करना है रनर एक्सलरेटर हुक, कौन सा हुक आपको यूज करना है। हाँ जी, तो हमें इसमें तीन हुक ब्लॉक दिया है। मेन है, रनर है, रनर हो गया मोड, और उसके बाद रनर में खाली रखना है। हाँ, या मेन हुक दोनों रखना है। अच्छा, और इधर रनर मोड और मेन हुक लोड दोनों है। अच्छा, तो यानी कि आपको मेन से काम करना है, रनर को रोकना है तो इसमें जाना है, और आपको रनर से काम करना है और मेन को रोकना है तो इसको भी जाना है। खाली रनर से काम करना है तो इसमें जाना है। तो ये बताइए कि इसमें चेंज करना है हमें तो कैसे चेंज होगा। यहाँ से लेफ्ट और राइट है यहाँ पे। हाँ, तो कीजिए, एक पहले एक एक करके दिखाइए मेरे को। ये राइट हो गया मेरे को, इसमें दिखाइए पहले रनर मोड में। रनर मोड में है। हाँ जी, हम ओके मारेंगे तीन नंबर बटन से। हाँ, हमको बूम इसमें कितना रखना है अब जरूरत के हिसाब से। सपोज अभी मान लीजिए कि 22 मीटर पे एक बार सेट कीजिए। 22 मीटर करना है तो डाउन पे जाएंगे। अच्छा, ये अप डाउन जो है। अप डाउन है। हाँ, फिर ओके मारेंगे। हाँ, इसी तरह से आगे पीछे करना हो गया। तो उसके बाद हमको जाना है फॉल में। हाँ, फॉल में जाइए, एक नंबर से फॉल में गए। ओम सेटिंग से हाँ ऊपर में जाना है। हाँ, और फॉल में आना है रिबिन से। तो फॉल में आ गए, अब हमें फॉल कम बेसी करना है। रनर का है ना। हाँ जी, रनर का है। इसमें ओके मारेंगे। ओके, कितना नंबर बटन से हुआ ऊपर से। लेफ्ट राइट ओके मारना है इस पर, कौन सा ओके में लेके जाना है आपको। अच्छा, तो मतलब ये लेफ्ट राइट करके ओके ओके मारना है। जी, ओके में जाने के बाद कितना फॉल है ये ओके दिखा रहा है, सामने वाले बटन को दबाएंगे। अगर एक फॉल है तो एक फॉल मारेंगे, अगर दो फॉल है दो फॉल मारेंगे। और यहीं पे हमें अगर रिटर्न जाना है तो इसको दबा देंगे, रिटर्न दबा देंगे। अगर बढ़ाना है तो ये इससे बढ़ाएंगे। अच्छा, इससे हाँ पार सप्लाइन बढ़ जाएगा ये जो बटन है। हाँ, उसके बाद ओके मारेंगे। अभी एक है तो एक पे कर दिए, फिर रिटर्न आ जाएंगे। ओके, रिटर्न आ गए। सेंसर केबल, सेंसर केबल चेंज करना पड़ेगा मैम अभी। तो अभी तो मतलब अभी तो हो नहीं सकता, अभी हो नहीं सकता। तो वो मतलब जब भी हमें करना हो सेंसर केबल भी हम दिखा देंगे, जो आप लोग चेंज कर लीजिएगा। और आगे आगे बताइए। आगे फिर मेन हुक दोनों में चलाना है। जी, तो हम जाएंगे रनर मोड में फिर से। जी, मोड में आके तीन नंबर से रनर मोड में गए। हाँ, उसके बाद फिर लेफ्ट राइट करेंगे। ओके, यहाँ पे आएंगे मेन हुक और अनलोड रनर में जाएंगे। हाँ, फिर ओके, अब 19 मीटर बूम कीजिए। 19 मीटर बूम हो गया, फिर सेट करेंगे। ये प्लस माइनस से बूम बढ़ जाएगा। ओके भाई, आ गए, हो गया मेन, मेन में हो गया। अब हमें रनर चालू करना है, मेन को रोकना है। रनर चालू करना है, मेन को रोकना। हाँ जी, होम सेट में जाएंगे। हाँ जी, फिर हम रनर में ही आएंगे। फिर रनर में जाएंगे, खाली रनर ही चालू करना है ना। हाँ, खाली रनर चालू करना है। रनर बताया था ना ये। अच्छा, वो रनर रनर वाला तो हम लोग का हो गया था, अब इसमें हमें मेन वाला भी हो गया। अभी हमें रनर चालू करना है और मेन को रोकना है। इसमें आएंगे फिर ओके मारेंगे। सपोज कीजिए आपको जितना बूम लेंथ मारना है, यहाँ से अभी
25 मीटर 31 मीटर जो जितना चाहिए वो हम कर सकते हैं जरूरत के। इसका फुल बूम कितना दिया है? 52 है। 52 मीटर बूम और प्लस लफिंग, सॉरी जीप कितना? 16 मीटर। जीप 16 मीटर यानी कि 68 68 मीटर पॉइंट में भी है या ऐसे है? 68 मीटर 68 मीटर है। आप अभी जितना बूम है अभी कितना बूम लगा हुआ है? 19 मीटर पे कर दीजिए। ओके ओके। अब पार्ट्स ऑफ लाइन हमें कम बेसी करना है तो उसका होम सेट में जाना है, रिविन सेट में जाएगा। आपका रनर का करना है ना किसका करना? मेन का कीजिए। मेन का इसमें जाएंगे, बढ़ाएंगे यहाँ पर, छः फॉल करना है। अच्छा ये जो वॉल्यूम बढ़ाने की तरफ जो दिया है थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, स्पीड बढ़ेगा तो जल्दी बढ़ेगा जी। तो अभी आपका चल कितना पे रहा है? 4 पे। चलिए 4 पे ही ओके कर दीजिए। ओके हो गया। अब हमें यहीं पे अगर रनर का कम बेसी करना है तो थोड़ा आगे कीजिए रनर का। हाँ रनर पे आ गए ना। ओके रिटर्न जाना होगा। रिटर्न जा करके फिर तो रनर का सेट हुआ। अभी रनर का सेट हुआ। ओके मेन का करना है ना आपको? हाँ मेन का करना है। पहले मेन के में जाएंगे, ब्लॉक चेंज करेंगे। हाँ ब्लॉक चेंज करेंगे कीजिए। ब्लॉक चेंज हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमको होम ब्लॉक कैसे चेंज किया थोड़ा एक बार नहीं समझ में आया। होम सेटिंग से ही करना है। अच्छा ये आपका होम सेटिंग को दबाएं, एक मिनट। होम सेटिंग दब गया। होम सेटिंग में ही करना है एक मिनट। हाँ फिर ओम स्विच है ना? ओम स्विच दो नंबर का ऊपर से। दो नंबर से करना है हुक चेंज। आपको जोन सा भी हुक यूज करना है। तो हुक इसमें शो कहाँ कर रहा है कि कौन सा? अच्छा यहाँ पे दिखाने लगा। बता रहा है ना ये लोड इधर शिफ्ट हो गया। ये देखिए हो गया। हाँ फिर हो गया, रनर में चला गया। अच्छा दो नंबर से ही। हाँ अब यहाँ पे आ गया। हाँ मेन में आ गए। हाँ मेन में आए, हमको रिविंग सेट करना है। तब ओम स्विच में जाएंगे, रिविंग में जाएंगे, फिर ओके जाएंगे, इसमें मारेंगे। 4 फॉल है इसमें जी। 4 बॉल मारेंगे ओके ठीक है जी। फिर रिटर्न जाएंगे, फिर हमको बॉल का ये करना है रनर का जी। बॉल चेंज करना है, रिविंग सेट में जाएंगे, फिर राइट मारेंगे, फिर ओके मारेंगे। इसको कम कर देते हैं, समय ज़्यादा हो गया। एक करना है ओके मारेंगे। हो गया एक रिटर्न हो गया ओके जी। यहाँ पे एक आ गया लिविंग सेट जी। हुक का वेट आ गया, कैपेसिटी बता रहा है जी। बूम लेंथ हो गया। अब इसमें हमें एक बार पूरा बूम का वो समझाइए। ये अपना बूम लेंथ हो गया, ये पूरा बूम लेंथ हो गया आपका 19 मीटर। हाँ जी ये हाइट हो गया। हाइट हो गया बूम से हुक का और ग्राउंड लेवल से, मतलब जीरो से यहाँ से यहाँ तक ये तीर भी दिख रहा है। और उसके बाद ये जो है अपना डिग्री हो गया। डिग्री हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया। ये हमारा रेडियस हो गया और ये हमारा एक्चुअल क्या दिखा रहा है? लोड है। हुक का वेट बता रहा है। हुक का जो वेट है कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 टन। 6 टन। और नीचे पार्ट्स ऑफ लाइन एक दिखा रहा है क्योंकि हमारा ये रनर चालू है। और ये अपना 1.5 पर मिनट पर सेकेंड है, प्रति सेकेंड। यानी कि इसको तो हम इस पिछले वीडियो में डाल दिए हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब मीटर से इसको किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। परसेंटेज है और ये अपना परसेंटेज क्या चीज़ का है? परसेंटेज है कितना परसेंट में माल उठ रहा है। अच्छा ये हमारा लोड परसेंटेज है। ओह ओके। अभी यानी कि 3% 3.5% नहीं 33% है। 33% लोड है। एक मिनट, ये तो 3.92 कुछ ऐसे दिख रहा है। डबल 3 है। अच्छा ये सॉरी ये आगे भी एक 3 है जो नहीं समझ में आ रहा है। डबल 3 है ये 33.40 ऐसे कुछ, मतलब हिल रहा है तो थोड़ा बहुत कम हो रहा है। तो 33% अपना लोड है अभी। और कटअप का यहाँ से बताएगा हूँ कटअप का। अच्छा यहाँ रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। हाँ प्लस 1 आएगा जो हूँ टच होगा लिमिट स्विच में। अच्छा वो लिख देगा रेड हो जाएगा। और अभी +2 में चल रहा है। ओके हुक 2 में है जी। अगर कटअप होगा तो +2 हो गया यहाँ पे जी, रेड हो जाएगा। और ये बॉस क्या लिख रहा है? बॉस का मालूम नहीं हमको। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट में बताइएगा थोड़ा। और ये क्या है, ये सेटिंग का है? मेरे पास उसका पीछे दिया हुआ है। ओके तो अभी सेटिंग का हम लोग नहीं समझेंगे, अभी हम लोग इधर देखेंगे। आप इधर ही बताइए थोड़ा सा, ये क्या है? बेंच का विंच का है। बताइए कौन कौन सा क्या है?
हमको विंच यहाँ देखे ना, हमको फर्स्ट विंच चालू करना है, सेकंड विंच चालू करना है अभी जी, इसको दबाएंगे ग्रीन हो गया। ये यहाँ दो नंबर है और इधर ग्रीन हो गया, दो नंबर पे ग्रीन हो गया। अब बूम का चालू करना है, बूम का यहाँ पे चालू हो जाएगा। मतलब ये बूम का है आपका बेंच और ये बूम का बेंच यहाँ शो कर दिया ग्रीन हो गया। इसी तरह से मेन हुक का करना है, हाँ मेन हुक का करना है तो करेंगे तो मेन हुक का भी आ गया यहाँ पे, यानी कि तीनों चालू हो गया, तीनों चालू हो गया। ये दोनों है अपना फ्लाइज लफिंग के लिए आता है, बड़ी क्रेनों के लिए दिया हुआ है, ये बड़ी क्रेनों के लिए है, इसमें तो लफिंग दिया नहीं, जीप दिया है। और कुछ और इसमें ये म्यूट करने का है, ये हमारा आवाज आवाज म्यूट करने के लिए, अगर कैरी कुछ है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ओके, अब इसमें जैसे कुछ ये तो खैर अपने नॉलेज का कुछ उतना है नहीं, ये इंजीनियर का काम है, एक ऑपरेटर के लिए नहीं, जो हम लोग बताएं उतना बहुत है। आपको जो भी है ये सब मैनुअल एचएससी कुछ भी है जी, वो सब इंजीनियर ही स्टिक करता है, हमको इसमें ज़्यादा और हमें इसमें जाना भी ठीक नहीं है, तो आप आगे बताइए। ये थोड़ा आरपीएम वगैरह बता दीजिए, आरपीएम है, इंजन स्टार्ट होगा आरपीएम बढ़ेगा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और ये नीचे हॉर्स मीटर इतना आपका चला हुआ है, और ये आपका डीजल है, डीजल परसेंटेज है, परसेंटेज है। और ये आपका 40 डिग्री क्या दिखा रहा है, हाइड्रोलिक प्रेशर है, हाइड्रोलिक टेम्परेचर, टेम्परेचर है। और ये आपका देगा शायद इसका क्या बोलते हैं इंजन ऑयल प्रेशर का, और इधर टेम्परेचर आपका 66 डिग्री इंजन का दिखा रहा है, 66 अभी इंजन बंद है। ओके, और ये क्या एरर, ये लिमिट स्विच नॉर्मल है, अच्छा लिमिट स्विच नॉर्मल है, ये एक्सप्लेन क्या लिख रहा है, एरर एक्सप्लेन है, कुछ नहीं है, अच्छा इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये सब ये तो अपना जो भी एसी का है, चलिए इसको एसी का है, बटन है 3, थोड़ा एसी का बता दीजिए, एसी है तो ये चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा जी, बंद कर दिया। हीटर है तो हीटर में फर्स्ट वाला डालेंगे तो हीटर इधर घुमाना पड़ेगा। ओके, हीटर गर्म गर्म गर्मी है आएगा खाली जी, और ये तो है, और ये सब लाइट है, चार्जिंग है, ये लाइट है, थोड़ा बताइए, फिल्टर एलिमेंट है, बताइए वार्निंग है, एक एक पे उंगली रख के बताइए, चार्जिंग है, फिल्टर एलिमेंट है, वार्निंग है, फ्री फॉल का है ये। ओके, ये बताइए क्या चीज़ का है, वाटर एंड फिल्टर का है, फ्यूल का मतलब परसेंटेज अगर होगा तो कम होगा तो अपना बताइए, मतलब लाइट जलेगा। और डिवाइसेस है तो इससे क्या होता चेक है? करता है कि आपका मशीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बैटरी जो सही अगर होगा से तो ये फिर लाइट जलेगा, हाँ समझना होता है इसका मतलब होता है कि जांच करना होता है कि सही ढंग से कोई फंक्शन काम कर रहा है या नहीं। और ये हमारा चार्जिंग का है, चार्जिंग का 24 वोल्ट पावर। ओके, और ये फ्री फॉल का यहाँ से बटन, यहाँ फ्री फॉल का बता दीजिए, अगर फ्री फॉल करना है तो हमको ये दबाना पड़ेगा, कुछ हुआ स्टार्ट जी, यानी चाबी ऑन है, चाबी अभी ऑन है, सेल्फ यहीं से लेना है। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे आना है, इसको चेक करना है पहले, मशीन स्टार्ट करने से पहले ये पूरा फुल टाइट होना चाहिए, लूज होगा ना आपका बूम अप डाउन नहीं होगा, बूम अप और डाउन नहीं होगा। ओके, तो टाइट किधर होता है, ये राइट साइड में होता है। ओके, लूज रहेगा तो बूम अप डाउन नहीं होगा। ओके, ये स्विंग का है स्लो और फास्ट का, आप जितना पे कंट्रोल कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं सेटिंग, इसको कम कर सकते हैं, अगर आप पूरा फुल स्पीड में चलाना चाहते हैं तो पूरा फुल टाइट करके रखना है। ओके, अगर मशीन हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेन बूम जोड़ रहे हैं जी, ये दोनों टाइट करके ही बूम अप करना है। ओके, वरना तो नहीं होगा, मतलब मशीन चालू करने के बाद दोनों टाइट होना चाहिए फिर बूम अप होगा, दोनों। ओके, नहीं चालू ऐसा नहीं है कि चालू करने से पहले अगर बूम जोड़ रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, उस टाइम उस समय टाइट होना चाहिए। ओके, बाकी बाद में आप, क्योंकि उस टाइम लोड थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लोड ज़्यादा पड़ता है। ओके, इसको टाइट करना है, ये हैंड एक्सीलेटर है, अच्छा इसको दबाना पड़ता है या घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, अच्छा घूमता है, थोड़ा एरर दिखा दीजिए इसका घुमा के, हैंड एक्सीलेटर, अच्छा ये घूमता है, जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं, जितना आरपीएम पे सेट करना है, बाकी पैडल भी है, पैडल भी है यहाँ पे, बाकी ये आप देख सकते हैं, ये पैडल है, ये अपना एक्सीलेटर है, ये मार्चिंग का है, ये अपना मार्चिंग का दोनों लीवर है, ये फ्री फॉल है, ये फ्री फॉल है, ये लेवल है, ये फ्री फॉल हो गया दबा करके, और आपको फ्री फॉल का बटन वो करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, दिखा देंगे हम आपको। और ये जो है अपना लेवल है, थोड़ा सा लेवल का ध्यान रखें जब भी काम करें तो, और अगर लेवल नहीं है तो नीचे बढ़िया से लेवल करवा के फिर गाड़ी लगाएं।
और ये दोनों मार्चिंग का लीवर है, आगे करेंगे तो बराबर चलेगा, और अगर आपको कटिंग लेना है तो एक आगे करेंगे, और जगह पे लेना है तो एक आगे एक पीछे करेंगे, दोनों साथ दाएं तरफ कटेगा, और जिधर काटना है आप खुद ये समझ सकते हैं अपने हिसाब से। ये अगर हम आगे कर रहे हैं तो राइट वाला आपका जो है चैन चलेगा, ये रुका रहेगा, और ये अगर आगे कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला चलेगा, तो आप अपने हिसाब से कटिंग का देख सकते हैं। और अब आइए हम आपको इधर लीवर में दिखा देते हैं, लीवर में बताइए क्या क्या है। इधर बूम डाउन है, ओके, इधर बूम अप है, ओके, इस आगे है अरिया, आगे अरिया फर्स्ट ड्रम, हाँ जी, मेनू का, ओके, मेनू का हाविस, ओके, बस। और ये बटन क्या क्या चीज़ का है? एक स्विंग ब्रेक का है, एक बड़ी क्रेन का रेड, इमरजेंसी में कुछ होगा। अच्छा, ये मतलब इसमें नहीं दिया, बड़ी क्रेन का ही लीवर इसमें डाला हुआ है, मालूम नहीं चल रहा है इसमें क्या जी, है जी। ये अपना हॉर्न जी, उसके बाद इसमें आ जाइए, इस लीवर में स्विंग है लेफ्ट एंड राइट, ओके, और बॉल हुक का हरिया और हाविस, हाविस, और सेम इसमें भी ये हॉर्न, बाकी दोनों खाली है, दोनों खाली है। अब आप इधर थोड़ा बटन समझा दीजिए, बटन है तो आपका मेन हुक का ये हो गया, हाँ जी, सेकेंड हुक विंच का, ओके, ये बड़ी क्रेन का, इसका कोई काम नहीं है इस क्रेन में, 55 टन 55 टन एक सिंगल, अच्छा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, काम नहीं है। ये पीटीओ है, आपको मशीन चालू के समय ये और ये चालू होना मांगता है, ओके, अभी चालू है तो ग्रीन पे है, और चेंज होगा तो थोड़ा चेंज करके अभी दिखा सकते हैं क्या, सब बंद हो गया, ये हो गया, दिस कीबोर्ड लाइट है, तो अब थोड़ा पीटीओ चालू कीजिए फिर से, पीटीओ चालू करना है फंक्शन खाली मार्चिंग के लिए, ओके, मार्चिंग करना है तो आप पीटीओ दबा के मार्चिंग कर सकते हैं, ओके, बाकी कोई फंक्शन आपका काम नहीं करेगा, कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, खाली स्विंग का ही काम करेगा, ओनली मतलब स्विंग काम करेगा आपका, ओके। उसके बाद आपको हाइड्रोलिक फैन चालू कर देना है, हाँ, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ओके, ये है स्पीड के लिए है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड स्पीड बूम, मतलब ये हाई लो है, बेंच का, बेंच का, ये स्विंग का है, ओके, और ये है, ये स्विंग का क्या है, मतलब इससे स्विंग फास्ट स्लो होगा? नहीं है, स्विंग फ्री होता है इससे, अच्छा, इससे फ्री हो जाएगा, मतलब ब्रेक आपका काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, आराम से आप लीवर से ही अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है एक सॉरी है एक चैन अंदर बाहर करने का है, इसको दबाकर, ये आपका जिस टाइम असेंबली डिसेंबली चलता है उस टाइम के लिए, उस समय काम आता है, ओके, आपको अगर चैन अंदर करना है तो इसको दबा के लीवर हमको आगे पीछे करना है, ओके, जो सा चैन लेना है लेफ्ट राइट, ओके, लीवर ताकि थोड़ा सा चलते रहेगा और आराम आराम से होगा, अंदर ले लेगा, ओके, अगर मार्चिंग के समय हमको ये दबा के कंपलसरी करना है मार्चिंग, ओके, ठीक है, फिर मतलब मार्चिंग के समय में हमें ये दबा के ही मार्चिंग करना है, इसको बंद करना, इसको बंद करना है, ये दोनों बंद कर देना, ओके, ये जलते रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए मार्चिंग के समय, और प्लस ये फैन का है, तो ये मार्चिंग का समय नहीं, फैन है अपना, अच्छा, ये पीछे जो केबिन फैन दिया है ये वाला फैन का, ओके, ये फैन का हो गया, आगे बताइए, ये बड़ी किरण का है फंक्शन, इसमें कोई फंक्शन चालू नहीं है, ओके, आगे ये लीवर बताइए, ये बटन कौन सा बटन, ये टोटल बटन, ये एनोमीटर का ऊपर का है, अच्छा, एनीमोमीटर जो हमारा विंड स्पीड बताता है, हाँ, वहाँ पे लाइट दिया है, हाँ, रेड कलर का, ओके, और वाइप पानी का है, हाँ, ये पानी का जो फुहारा मारता है, वाइपर सामने का है, फ्रंट का है और ऊपर का है, वाइपर, ओके, ये लाइट है, ओके, साइड और लेफ्ट राइट दोनों का है लाइट, और ये बंद करने के लिए स्पेशली इसी से बंद करना है इंजन, हाँ, चाबी से नहीं, हाँ जी, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है इधर में, ओके, ये क्या है, ये कीबोर्ड लाइट है, अच्छा, इससे लाइट मतलब बुझ गया, लाइट जल गया, ओके, और ये इसमें भी नहीं काम करता है, अच्छा, इसका कोई वो नहीं है, बाकी ये तो बता दिए है ना, हाँ, फ्री फॉल का ये आप पहले बता दिए, अगर हमको फ्री फॉल करना है तो फर्स्ट ये करना है, हाँ जी, आपका फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा जी, अगर फर्स्ट ड्रम फ्री फॉल करना है तो हम आर वन ये दोनों दबाना है, अच्छा, फर्स्ट ड्रम फ्री फॉल भी करना है आपको, इमरजेंसी बाय द वे कोई इमरजेंसी आ रहा है, हाँ जी, तब ये दोनों दबा कर अपना प्लस यहाँ पैडल मारेंगे, अच्छा, ये पैडल मारना है, हाँ, उसके बाद लीवर आपको पकड़ना है, लीवर पकड़ना है, लीवर जहाँ छोड़ेंगे वहाँ कंट्रोल हो जाएगा, ओके, तो इतना ही कुछ है, बाकी इधर जो है अपना इमरजेंसी स्विच दिखा दीजिए, ये फैन का है, बाकी ये म्यूजिक सिस्टम दिया है क्या, हाँ, म्यूजिक सिस्टम इधर, म्यूजिक सिस्टम दिया है, म्यूजिक सिस्टम किधर है, इधर दिखा दीजिए, अच्छा, ये अपना म्यूजिक सिस्टम है, इसमें क्या है बता सकते हैं क्या, ये म्यूजिक एफएम है,
और बट ये इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी मतलब स्टॉपर है, इसको घुमाना पड़ेगा, सिर्फ दबा देंगे, दबा देना, सिर्फ दबा देंगे इंजन बंद हो जाएगा। और ध्यान रखें कभी भी अगर इसको दबा के भूल गए तो इंजन स्टार्ट नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। तब इसको आप दबाने के बाद फिर उठा दीजिए। ये अपना मशीन का मॉडल नंबर है XCMG XG C55, 55 टन का मशीन है ये। और मशीन आप देख सकते हैं ये है, अभी ये मशीन है। ये अपना रेडिएटर का पानी डालना है तो उसके लिए दिया है, इसको खोलना है दोनों नट को, और खोल के यहाँ से हम एक बार पानी चेक भी कर लेंगे क्या, और चेक करके यहाँ से डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, अभी देखिए अच्छा पानी ठीक है, कूलेंट पानी कूलेंट है, फिर लॉक कर देना है। आप देख सकते हैं ये बेंच है H1, H2 और W1, वो लास्ट वाला बेंच है, आप देखे होंगे वहाँ पे बटन में और सिलाई में, तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा है। बाकी ये अपना एयर फिल्टर सामने दिख रहा है, और ये अपना जो अपना हाइड्रोलिक को ठंडा करता है, सॉरी ये एसी का फैन है, और हाइड्रोलिक फैन जो है वो नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वो नीचे फैन दिख रहा है कोने में, हाइड्रोलिक फैन वो है डीजल टैंक के पास। और हम एक बार आपको इंजन ऑयल का गेज बता देते हैं, ये अपना जो है स्विंग पूरा यूनिट हो गया, ये आपका मोटर हो गया, नीचे आपका ब्रेक यूनिट हो गया, उसके नीचे गियर बॉक्स हो गया, ये आपका इंजन ऑयल का गेज है, देखिए आपका इंजन ऑयल का गेज है, आप देख सकते हैं ये। और इसमें आपको बता दें कि इंजन ऑयल कितना, इंजन ऑयल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, मैक्सिमम हाई है या लो है, मैक्सिमम यहाँ तक फुल है और ये लो है, दोनों के बीच में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, फुल तक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ऊपर जाएगा तो भी दिक्कत है और इससे नीचे जाएगा तो भी दिक्कत है। ये और ये जो दो, ये देखिए यहाँ से जो है नाम कुछ और है, बट हम शॉर्ट नेम में ए फ्रेम बोलते हैं इसको, हमारे भाषा में ए फ्रेम बोलते हैं, बाकी इंग्लिश जो समझना हो तो मैनुअल देखिएगा। और ये आपका गैंट्री हो गया, ओ सी ब्लॉक हो गया ऊपर जो है, हाँ सी ब्लॉक, और बैक स्टॉपर हो गया, ये अपना बैक स्टॉपर हो गया, ये बैक स्टॉपर कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है कंपलसरी, उसमें ना लगा दे, बैक स्टॉपर का कभी भी ध्यान रखें कि लगाना हो तो यहाँ लगाइए, गलती से आप इधर मत लगा दीजिए, ये आपको लॉक के समय दिया, लोडिंग के समय ये लॉक करने के लिए, हाँ क्या लॉक होता है इसमें, यही बैक स्टॉपर, अच्छा ये ले आके इसमें लॉक होता है लोडिंग के समय में, तो गलती से इसमें लगा हुआ मत छोड़ दें नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। और ये अपना तो लाइट है आपको पता है, और बाकी ये अपना वायर रोब है SLI का, लेंथ का SLI है, लेंथ का है। बाकी दोस्तों अगर कुछ ऐसा दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो टूल बॉक्स है और ये स्विमिंग लॉक है, सेंटर स्विमिंग लॉक।